ये सामने बिल्डिंग है और कहीं पार्किंग ही नहीं है। वाह, अब इतनी दूर पार्किंग लगानी पड़ी है मुझे, यहाँ से चल के जाना पड़ेगा, इतनी दूर चल के जाना पड़ेगा। अब भाई जा, ये रोड खाली है, इधर कोई नहीं, इधर चला ले। ओके चलो चले। ओके भाई जान, ये बोल रहा है, हम आज बना रहा है। ओ यहाँ पर क्या है? अब्दुल्रहमान तो क्या देख रहे हो? बड़ा हम इधर जाके खेले। अब्दुल्रहमान यहाँ तो बहुत सारी मिट्टी है। हाँ हम मिट्टी से टॉयज खेलते हैं। अब्दुल्रहमान मेरे बैग में भी टॉयज है। चल मरवा, हम स्कूटी पार्क को खेलते हैं। ठीक है अब्दुल्रहमान, हम उधर पार्क करते हैं, कोई नहीं लेगा। चलो मरवा, हम चलते हैं। चलो अब्दुल्रहमान। अब्दुल्रहमान बस इधर ही खड़े कर दो। ठीक है चलो। ये मरवा मैं गिर जाऊंगा। कुछ नहीं होता अब्दुल्रहमान, आओ तो सही। वाह मरवा, इतनी बड़ी जगह है। तो अब्दुल्रहमान हम यहाँ भागते हैं। ये 2 मिनट का काम था, आधे घंटे की वॉकिंग करनी पड़ गई। इतनी दूर पार्किंग। ओह ओह, पार्किंग ही नहीं होती यार यहाँ पे। ये किसकी स्कूटी है मेरी गाड़ी के पीछे? ये किसने स्कूटर पार्क की हुई है मेरी गाड़ी के पीछे? उफ यार, एक तो आगे इतना लेट हो रही हूँ। देखती हूँ कौन है। कौन है ये? किसकी स्कूटी है मेरी गाड़ी के पीछे? मेरी गाड़ी पे इतना बड़ा स्क्रैच। ओहो, जरूर ये जिसकी स्कूटर है उसी ने गाड़ी को टक्कर मारी होगी। और हिम्मत देखो, वही स्कूटी खड़ी करके चले गए। कौन हो सकता है ये? जिसकी भी स्कूटर है उसको तो उठा के यहाँ फेंकना चाहिए। आंटी, आंटी, स्कूटी क्यों? क्या कर दिया? अच्छा तो ये आप दोनों की स्कूटर है? जी आंटी, हमारी स्कूटी है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी के पास अपनी स्कूटर खड़ी करने की? आपकी स्कूटर की वजह से मेरी गाड़ी पे स्क्रैचेस लग गए हैं। नई गाड़ी है मेरी ये। आंटी हमने आपकी गाड़ी को कुछ नहीं किया, हमने तो बस अपनी स्कूटी इधर पार्क की थी। अगर आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो मेरी गाड़ी पे स्क्रैच कैसे आया बताओ? जी आंटी हमने नहीं किया था। छोटे बच्चे हो लेकिन फिर भी झूठ बोल रहे हो। किसी ने ये नहीं सिखाया कि झूठ नहीं बोलते? नहीं आंटी, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सच कह रहे हैं। मैं कैसे मान लूं कि तुम लोगों ने ये नहीं किया? आप लोगों की स्कूटी पड़ी थी मेरी गाड़ी के पास और मेरी गाड़ी को स्क्रैच लगा है। हमारे मामा पापा कहते हैं कि झूठ मत बोला करो। झूठ बोलना बुरी बात है। झूठ बोलना बुरी बात है तो किसी का नुकसान करना भी बहुत बुरी बात है, और आप लोगों ने मेरा बहुत नुकसान किया। आंटी हमने आपकी गाय को कुछ नहीं किया, आप किसी से भी पूछ लें। ये शोर किस चीज का हो रहा है? लगता है कोई लड़ाई हो रही है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये आप दोनों के ही काम है और अब आप झूठ बोल रहे हो। एक्सक्यूज मी, क्या मैं पूछ सकता हूँ आप इन बच्चों को क्यों डांट रही हैं? आप कौन है? ये मेरा फूड ट्रक है, मैं यहाँ पे काम करता हूँ। मैंने आप लोगों की आवाज सुनी तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गया, मैंने कहा पूछ लेता हूँ। मैंने यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क की थी और मैं किसी काम से बस ये सामने वाली बिल्डिंग तक गई हूँ। जब मैं वापस आई हूँ इनकी स्कूटर यहाँ खड़ी थी और मेरी गाड़ी पर स्क्रैच है। इन्होंने स्कूटर के साथ यहाँ पे स्क्रैच लगाया और अब ये बात मान नहीं रहे, झूठ बोल रहे हैं। मैम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। देखिए मैं सुबह से यहाँ पे काम कर रहा था और मैंने जब देखा ये बच्चे यहाँ पे स्कूटर चला रहे थे, उसके बाद खड़ी करके तो यहाँ पर खेल रहे थे। मैंने नहीं देखा ये बच्चों ने आपकी गाड़ी पे स्क्रैच डाले होंगे। ये बात तो पक्की है, इन्होंने आपकी गाड़ी को टच भी नहीं किया। हो सकता है किसी और जगह पे इसको स्क्रैच आया हो और आपने अब नोटिस किया हो।
कि बच्चों को डांटने का कोई फायदा नहीं है, बच्चे मासूम होते हैं, अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो वो मान जाते, वो झूठ नहीं बोल रहे। अच्छा हो सकता है फिर ये स्क्रैच कहीं और लगाओ, शायद आप ठीक कह रहे हैं। हाँ हम सच बोलते हैं। थैंक यू, अब मैं चलता हूँ। थैंक यू। आई एम सॉरी बच्चों, मैंने आपको कुछ ज्यादा ही डांट दिया। सो क्या आंटी, देखा हमने ही बोलते झूठ। अच्छी बात है आप झूठ नहीं बोलते। अब मैं चलती हूँ, बाय। चलो बच्चों घर चले। Friends, this is Sahresh and this is Lukman from Dubai. अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जरूर बताएं. And don't forget to like, share and subscribe to our channel. Take care, much love, Allah Hafiz. Bye.